Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today our third lecture and the lecture is about comprehension paragraph and the fox and the goat. This paragraph is on page 42 on our English grammar book. The fox and the goat. While reaching down to drink water in a well one day, एक दिन पानी पीने के लिए एक कुएं में नीचे उतरते हुए a fox fell in. लूमर नीचे गिर गया. Try as he would, he could not get out again. बहुत कोशिश की उसने लेकिन वो बाहर दोबारा नहीं आ सका. Because the walls of the well were too high. क्योंकि कुएं की दीवारें बहुत बुलंद थी. Not longer after, ज्यादा देर नहीं हुई थी, a goat came along. एक बकरी वहां आई. Seeing the fox down there, उसने जब लूमर को नीचे देखा, he asked him the reason why. उसने उससे इसकी वजह पूछी. I am enjoying the cool pure water, replied the fox. लूमर ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पे ठंडे शफाफ पानी का मजा ले रहा हूँ. Wouldn't you like to jump down and taste it? तुम नीचे छलांग नहीं लगाओगे और इसका जायका नहीं चखोगे? Without stopping to think, the foolish old goat jumped down. बगैर सोचे समझे बूढ़ी बेवकूफ बकरी जो थी उसने नीचे छलांग लगा दी. No sooner had he reached the bottom, जल्द ही वो नीचे कुएं में पहुंच गई. Then the cunning old fox leaped on his back. फिर मकार बूढ़े लूमर ने छलांग लगाई. मकार बूढ़े लूमर ने बकरी की पुश पर छलांग लगा के एंड स्क्रैम्बल टू द टॉप और जल्दी से वो ऊपर पहुंच गया. लुकिंग डाउन एट द अनहैप्पी गोट, नीचे नाखुश बकरी को देखते हुए द फॉक्स लाफ्ड, लूमर हंसने लगा एंड सैड. और उसने कहा, नेक्स्ट टाइम, अगली दफा, फ्रेंड गोट, प्यारी बकरी, बी श्योर टू लुक बिफोर यू लीव, पहले सोचना फिर करना. थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज अवर थर्ड लेक्चर.